नमस्कार मध्यान खबर को स्वागत करुछि मु निवेदिता बुलेटिन आरंभ करबा ले प्रथमे हेडलाइंस एवे देश में B1.617.2 भूताणु सक्रिय 60% लोकों करुछि संक्रमित ओडिशा रे भी समान अनुपात में देखा जाउछि समान भूताणु तृतीय लहर नहीं सतर्क कराइले आईएलएस निर्देशक कोरोना मृत्यु संख्यारे नाही ब्रेक राज्य में आज सर्वकालीन 42 आक्रांतों मृत्यु रेकर्ड आज 8839 कोरोना पॉजिटिव खोर्धा जिलूर सर्वाधिक 1235 आक्रांत सेपटे देश 1,34,154 संक्रमित सफल होगा भारत कोविड कूटनीति टीका कंचामाल जोगाइबो आमेरिका वाशिंगटन कहला कोविड आरंभ में भारत करहयोग के भूलना कबड़ी कारखाना नारे बेआईन मद व्यवसाय अबकारी विभाग ठारु 100 मीटर दूर से प्रस्तुत होता मद अतर्कित चढ़ कर विपुल परिमाण मद जबत कला खुंटा पुलिस कोरोना काल में खुशी खबर केउछर आनंदपुर उपखंड के बालियापाड़ आसला आशार आलोक जंगल आदिवासी बुझले कटकणा गांव को जाए छुईनी महामारी एवं श्रीमंदिर रथकला पहुंचला महाप्रभु आज्ञामा पूजा पंडा सामंत आणले आज्ञामा सेपटे भोर जात्रा रथर दुईट लेखाएं चक और गोटे अख संजोग कोविड कटक बिना भक्त अख डेरा वर्तमान देश में B1.617.2 भूताणु देखाई 60% लोकों भूताणु संक्रमित करुशार भी सामान अनुपात सामान भूताणु देखाई प्रथम लहर में B1.617.1 भूताणु देखाई निष्क्रिय अवस्था को सूचना देखते आईएलएस निर्देशक अजय पंडा तृतीय लहर प्रभाव केमी रनोटी दिग उपर निर्भर कै गोटी है कोविड नियम को मानवा द्वितीयटी है टीकाकरण और तृतीयटी है भाइरस परिवर्तन रूप केवल शिशु नुहे अन्य माने भी संक्रमित होते सेपरी मे 15-25 पर्यंत कोरोना पॉजिटिव पीक रे थिला एबे 25 तारीख ठू कमिबा आरंभ करिछि भुवनेश्वर कटक और ढेंकानाल भली जगार टिके संक्रमण अधिक रोचे आ 10-15 दिन भितर स्थित सुधार आसीब मृत्यु हार में जातीय स्तर ठू आम राज्यर स्थिति बहुत भल रही मृत्यु संख्या बढ़िबार कारण कोविड रोगी अन्य रोग जो मृत्यु संख्या बढ़ुच्छी आतेक क्षेत्र में देखा जा लोक प्रथम अवहेला कर रोग संपर्क में लुचाऊँ जो मेडिका आसवा बेलू से क्रिटिकाल पड़ुंट जहाँफल मृत्यु संख्या बढ़ुच्छी सेपटे टीकाकरण नहीं से कहते कोविशिल्ड और कोवाक्सीन कंपानी प्रडक्शन बढ़ाई सारी अन्य विदेशी कंपनी क्षेत्र में भी सर्तावली को परिवर्तन जहां सरकार आकलन करसार डिसेंबर सुधा देश में समस्त टीकाकरण शेष हो जापर ब्लाक फंगस संक्रमण ओडिशा रे कंट्रोल स्टेज अच्छी सरकार भी मुकाबला प्रस्तुति आरंभ करम राज्य में बहुत कम रिइनफेक्शन हो राज्य में यार परिमाण -1% रही विशेषकर हॉस्पिटल और हेल्थ वर्कर मान क्षेत्र में अधिक देखाऊस टीका नेबा जो मैंने संक्रमित होती से किसी केस को अनुधान किसी जगह पर टीकार दुईट डोज नापर भी लोकों भितर आंटीबॉडी डेवलप होवल से ही लोक इम्युनिटी पार उपर निर्भर करईएलएस निर्देशक अजय पंडा कहते डेथ गुड़ा हूँ सेगुड़ा अन्य फैक्टर कोविड रिलेटेड जो गुड़ा कोमॉर्बिड फैक्टर अच्छे से बढ़ुच्छे तापर मेन असुविधा हो बहुत लोग प्रथम जो सिम्टम अच्छी से लुचाऊँ से आसुना बाहर को तेणु बाय द टाइम से जो हस्पिटाल पहुँचे से क्रिटिकल स्टेज से पहुँचते जो जो मैंने वेन्टिलेटर जाऊँच कि अन्य क्रिटिकल इलनेस होती सेत बड़क जो जा हस्पिटाल से पहुँचे से आडवांस स्टेज को पड़ जाए जो मुझे जो भावी जो से आर्ली जहाँ टिके भी सिम्टम रहा जो प्रथम जाए डॉक्टर को कनसल्ट करते कि हॉस्पिटल को जापारे से स्थिति में सुधार होवार प्रश्न मैंने आशा अच्छे थर्ड वेव समस्ते प्रेडिक्ट कर थर्ड वेव कि थर्ड वेव हम कि ना यहाँ बहुत गुड फैक्टर उपर डिपेंड कर प्रथम फैक्टर है आम निजर बिहेवियर मैंने आम जब तथा मानते जमी डिसेंबर जनवरी पूरा जो कमी आसला इनफेक्शन समस्ते फ्री होगल कि करोना पड़गला छाड़ी
तेणु एवं जदि भी करोना आम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करा पड़े। द्वितीय है कि वैक्सीनेशन वैक्सीनेशन जिते शीघ्र आम नहीं पार जिते लोक जिते परसेंट पॉपुलेशन को आम करदेपर से गोटे चेन ब्रेक हिसाब से कम कर। तृतीय है जे वायरस निजर बिहेवियर जमी मन कर म्यूटेशन हो गला वायरस म्यूटेशन हाबा स्वाभाविक जमी मन कर जो आमर एवं तो से जो कौन कंट्री हिसाब से मैंने क्लासीफाए कर अल्फा डेल्टा बीटा गामा डेल्टा जोड़ा करूँ तेणु वायरस भी म्यूटेशन हो वायरस कौ समय म्यूटेशन हो सब देखा जाऊ। भारत सरकार जो सिक्वेन्सींग इनिसीएटिव चली आगु दसटा लाब नहीं कि जो आई एल एस सह दसटा लाब नहीं कहला एवं से एक्सपांड कर सतईसटा लाब देश में सतईसटा लाब जीनोम सिक्वेन्सींग करेंगे तेणु एवं आमको जना पड़े शीघ्र जापर जो कौ कौ टाइप म्यूटेशन अच्छी कौ टाइप आमको प्रिकसन हो। सीधासख संपर्कित आलोचना करने दिव्यज्योति महांति आम भुवनेश्वर प्रतिनिधि आम सहित जोड़ी दिव्य जमी प्रथम लहर द्वितीय लहर चलती तृतीय लहर कथा कहुच्छे सेमती नुआ नुआ कथा सामना को आसूची कोरोना को नहीं आज आई एल एस निर्देशक अजय पड़ा कि प्रतिक्रिया रखिंट से अनेक गुरुत्वपूर्ण कथा कहते कौन प्रतिक्रिया से रखी थे कौन सब नुआ कथा सामना को आसूची दिव्य देखंतु निवेदन निस्महरे आज आई एल एस निर्देशक अजय परिड़ा 8-10 गुरुत्वपूर्ण सूचना देखते राज्यवासी को किभली तृतीय लहर मुकाबला करा वर्तमान राज्यर स्थिति कौन रही देशर स्थिति कौन रही से संपर्क में विस्तृत भाव वर्णना करछंती। प्रथम कथा आप देखु अजय परिड़ा कहते वर्तमान देश में B1.617.2 भाइरस अर्थात भूताणु सक्रिय रही वर्तमान देशर 60% लोक भूताणु संक्रमित करुच्चार सामान भूताणु सक्रिय रही है और सामान परिमाण लोक संक्रमित करुच्चे पूर्वर मैं देखिए प्रथम लहर समय B1.617.1 जो भूताणु सक्रिय था ता बर्तमान धीरे धीरे निष्क्रिय होगा जाऊँगी तो द्वितीय लहर जो भूताणु टी अधिक सक्रिय अच्छे से आमको सतर्क रहा पड़ो आउ अंत 15-20 दिन सतर्क रे भूताणु धीरे धीरे निष्क्रिय हो आउ गोटे बड़ कथा से कहते जे जो तृतीय लहर आसूँ तार किभली मुकाबला करभली समस्ते मुकाबला कर समस्त बर्तमान प्रस्तुत रहा पड़ो विशेषकर तीनोटी दिग उपर तृतीय लहर प्रभाव जना पड़े तृतीय लहर प्रभाव केमी रोचे तानोटी दिग उपर निर्भर करुच्छे गोटे हूँ जे आप टीकाकरण को कैसे सुबंदोबस्त करते शीघ्र सारे आउ गोटे आप देखिए जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर ताक लोक मैंने के सठी ढंग से पालन करा तृतीय लहर उपर प्रभाव पक तृतीय आप देखिए जो टीकाकरण हो कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर हो कि अंपटे देखिए जो भाइरस परिवर्तित रूप केमी रोचे कारण आप देखते बारंबार समय भाइरस तार म्यूटेंट परिवर्तन करे तार वेरिएंट परिवर्तन हुए तो यह सब दिग उपर निर्भर करुच्छे तृतीय लहर केमी रही है किंतु जो आकलन कराला शिशु मैंने अधिक प्रभावित हे जो तृतीय लहर आई एल एस डायरेक्टर अजय पड़ा जहाँ कहवा कथा केवल शिशु मैंने नुह अन्य व्यक्ति विशेष मैंने प्रभावित हेबे से समस्ते वर्तमान ठू सतर्क होवार आवश्यक रही सरकार प्रस्तुत होती आउ गोटे दिग आप देखते राज्यर स्थिति से कहते राज्य में May 15-25 पर्यंत कोरोनार पिक समय थिला 25 पर ठू वर्तमान धीरे धीरे कमिबा आरंभ होइछि किंतु कटक भुवनेश्वर ढेंकानाल एइभळी जिला रे संक्रमण धीरे धीरे बढ़ुच्छे तापर गुरुत्व देबा पड़िबो सेठि किभळे कोरोना मुकाबला करा जाय पर संक्रमण किभळे कमिबो से पर मध्ये विचार विमर्श करबाकु पड़िबो एवं आ गोटे कथा से कहउछंती जे राज्य जो री इन्फेक्शन अर्थात पुनः संक्रमण -1% अच्छे विशेषकर हेल्थ वर्कर और जो मैंने हस्पिटाल गुड़िक रही रिइनफेक्शन विशेष नजर आसूची से दिग्वे कार्य चली कि रिइनफेक्शन को कम करोटे बड़ कथा से कहते जो मैंने टीका ने टीका नापर ज्वर आसूँ हाथ पेन होसबू जिनस देखा से कौन व्यस्त ब्रत हूँ ना आपत से पाख मेडोर को मेडिसीन आनी मेडिसीन खातु ना कि पेनक्लीयर खातु ना यह कुप्रभाव पकाइबो निज बॉडी उपर एवं एहा जो नौछंती आपण टीका तार उपर मध्य कुप्रभाव पकाइबो सेतिपई आपण माने 2-3 दिन घरे रेस्ट नै जानतु ता ठीक हेजबो कारण एटा गुटी नॉर्मल ज्वर रहिबो टिके तो से दृष्टिकोण आपण घरे रही यार चिकित्सा करंतु। आ गुटी कथा आपण से जहा कहउछंती जे ए जो टीकाकरण वर्तमान चालीची टीकाकरण पई कोवैक्सीन एवं कोविशील्ड जो दुईटी कंपनी रही से जो रही प्रोडक्शन रेट को आहुरी बढ़ाई एवं अन्य जो विदेशी कंपनी माने से जो रही शर्तावली रही भारत सरकार सहित ताकू परिवर्तन करछन्ती भारत सरकार एवं किभली
डिसेंबर मास सुधा शेष हम ये प्रक्रिया से नहीं भारत सरकार संपूर्ण तत्पर अच्छा आकलन अनुसार डिसेंबर सुधा भारत वर्षे समस्त टीकाकरण प्रक्रिया शेष हम सब वर्गर समस्त टीकाकरण शेष हो जाए से दृष्टिकोण थर्ड वेव पर आम संपूर्ण प्रस्तुत अच्छे से कहते अन्य दिग्वर मैं आलोचना करचार विमर्श कर जो भाई कह जा आईएलएस गोटे प्रकार भूताणु जो म्यूटान भाइरियांटर नीति निर्धारण कै तार परीक्षा निरीक्षा कै से दिग्वर परीक्षा निरीक्षा चलुच्ची और प्रत्येक समय नजर रखाई ओडिशार स्थित कौन रही देशर स्थित कौन रही से नजर रखाई तृतीय लहर पर बर्तमान समस्त प्रस्तुत अच्छा निवेदिता निहती भाव में तृतीय लहर पर समस्ते प्रस्तुत अच्छा आमको यू कथ को गुरुतर सह नाक पड़ो अनेक गुरुत्वपूर्ण कथ आज आईएलएस निर्देशक अजय पिड़ा कहते जे एक से कहते दिव्य जे मृत्यु संख्या जो राज्य में बढ़ुच्ची केवल एथपाई लोक ही दायी जेहेतु लोक मैंने सठिक समय ट्रिटमेंट कर पार ना आज जो मान क्षेत्र में विशेषकर अगर कौन से रोग रही से मानकर मृत्यु हो तेणु एने के भयभीत न हूँ जहाँ से प्रतिक्रिया रखुते आप दिव्य कहते निति भाव में दर्शकों पर गुरुत्वपूर्ण समस्त ये प्रति सचेतन दरकार बहुत बहुत धन्यवाद दिव्यज्योति महांति आम भुवनेश्वर प्रतिनिधि सीधासख आम सहित आलोचना करुते आईएलएस जे रही निर्देशक अजय पिड़ा जहाँ प्रतिक्रिया रखुते से बाबद आम आलोचना करते तेज बुलेटिन समय एक छोट ब्रेक ब्रेक पर फेर एवं परवर्त खबर को ब्रेक पर बुलेटिन को स्वागत तो कोरोना मृत्यु संख्या रे नाही ब्रेक राज्य रे आज दैनिक सर्वाधिक 42 जन जीवन नहीं महामारी सुंदरगढ़ जिलूार सर्वाधिक 5 जन मृत्यु घटी कटक कलाहांडी 4 जन लेखाएं प्राण हर बेले बौद्ध झारसुगुड़ा और खोर्धार 3 जन लेखाएं कोरोना आक्रांत मृत्यु घटी सहित कोरोना जनित मृत्यु संख्या 2,823 को वृद्धि पाई से राज्य में आज 8,839 पॉजिटिव चिन्हट होती से 4,948 क्वारंटीन एक लोकाल केस 3,891 रही आज भी तालिकार ऊपर रही खोर्धा जिला एठार चिन्हट होती 1,235 जन कोरोना रोगी या मिसाई आज राज्य में 10,594 जन कोरोना मुक्त होती एसत मोट कोरोना संक्रमितों संख्या 7,90,970 छुई तेज राज्य में आक्टिव केस रही 50,423 सेपटे देश में लगातार 1.5 लाख तले आसुच्छ संक्रमण गत 24 घंटे आउ 1,34,154 जन कोरोना आक्रांत चिन्हट होती से 2,887 जन कोरोन मृत्यु होती सेपटे 2,11,499 जन कोरोन सुस्थ होती लगातार 21 दिन में देश में सर्वाधिक आक्रांत सुस्थ होती अंपक्ष एजावत 2,93,90,584 जन सुस्थ होती से बर्तमान सुधा देश में 22,10,43,693 जन वैक्सीन नहीं सारे बुला पशु खाद्य खाई भोकिला पेट को बुझाइले दिव्यांग युवक कोविड काल में यह विकल दृश्य आसी गंजाम जिलूार बुगुड़ा बसस्टाण दीर्घ 4 दिन है भोक उपास पड़ रही युवक जनक लॉकडाउन जो खावाक नपाई एणे तेणे बुलूते किसी बदयानीय व्यक्ति गाई और कुकुर मानी खाद्य अखा उपर दे जाए युवक जनक गोटाए खाऊ देखा मिलता जो दृश्य हृदय विदारक संदेहजनक अवस्था जनकर मृत्यु होती ब्रह्मगिरी टेलांग रास्त पड़ रही मृतदेह मृतक जनक होती स्थानीय जाड़ीपुर गांव गुरुदेव बराल निकटस्थ पल्ली गांव किशोर बराल बगिचार फूल तोलिबा समय विद्युत आघात लगी मृत्यु होता अभियोग यार प्रतिवाद में ब्रह्मगिरी और डेलांग रास्ता को अवरोध कर स्थानीय लोके श्रीमंदिर पश्चिम द्वार निकट में विश्वशांति अखंड हरिनाम संकीर्तन मंदिर दान बाक्स लुट जनक गिरफ्त कर पुलिस गतकाली विलंबित रात में दुर्वृत्त मैंने मंदिर दान बाक्स ताड़ नहीं जमापड़ पश्चिम द्वार में सुरक्षाकर्मी रातिर जगुता बेले निकटस्थ एक मंदिर किभली लुट है से नहीं प्रश्नवाची सृष्टि होने मंदिर परिचालक पुरी श्रीअंदर थाना एतला
ଅଖଣ୍ଡ ନାମରେ ତାଙ୍କ ମାଲିକର ବଡ଼ ଭାଇ ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର ନାମ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା, ଖରାପ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ସେଇ ଘୋମି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ନିଦ ଟିକେ ହେଇଯାଇଛି ବୋଧେ। ଏତେ ବୟସରେ ଆସିକି ସେଇ ଜଣଙ୍କୁ ତ ସେ ବାକ୍ସ କାଢ଼ିକି ଦାନ ବାକ୍ସ ଟେକି ନେଇଯାଇଛି। ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ଏଠୁ ହାରାହାରି 100 ଫୁଟ ହେଲା, 50 ଫୁଟ ହେଲା ମନ୍ଦିର। ମନ୍ଦିରରେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ମାନେ ଆମର ଗେଟ୍ ପାଖରେ ସେମାନେ ଜଗିଲେ, ମଝିରେ ମଝିରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଠିକୁ ଇଏ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଏମାନଙ୍କର ଇଏ ରଖିକିରି କୌଣସି ପ୍ରକାର କେମିତି କରିକିରି ନେଇକିରି ପଳେଇଛି। ବୁଲେଟିନ୍ରେ ଖବର ଆଗକୁ ଜାରି ରହିବ, ହେଲେ ସମୟ ଆଉ ଏକ ବ୍ରେକ୍ର। ବ୍ରେକ୍ ପରେ ବୁଲେଟିନ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ। ନଜର ପକାଇବା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଉପରେ। ବାତ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ବାତ୍ୟା ୟାସ୍ ପାଇଁ ପ୍ରାକ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିନଥିଲା। 2008ରେ ବିଧାନସଭାରେ ଗୃହ କମିଟି ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଥିଲେ, ହେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଗରେ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ନାହିଁ। ସୁଇସ୍ ଗେଟ୍ ଦ୍ୱାରା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା ନାହିଁ। ବାତ୍ୟା ଅଞ୍ଚଳରେ ନଦୀନ ବୁଲିବା ପରେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଏପରି ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ମନମୋହନ ସାମଲ। ତେବେ ବାଲେଶ୍ୱର ଓ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ପାଣିଘେରରେ ଅଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ କୌଣସି ଗୋଦାମରେ ଚାଉଳ, ଗହମ ଆଦି ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ନଥିଲା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଥିବା ଚାଉଳ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା, କିରୋସିନ ବି ନଥିଲା। ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ମରାମତି କରାଯାଉ ନାହିଁ, ସେଠାରେ ଚୁଡ଼ା ଓ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ। ରିଲିଫ ସାମଗ୍ରୀ ବଣ୍ଟନରେ କାଣ୍ଟଛାଣ୍ଟ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ମନମୋହନ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଗୋ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ, ଡ୍ରେନେଜ୍ ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ନାହିଁ। ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାକୁ 50 ହୋଇଥିଲେ 300 ଲେଖାଯାଇଛି। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ ଏବେ ଯାଏ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘର ଭଙ୍ଗା ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ, ଆର୍ଆଇ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିନାହାନ୍ତି, ରାସ୍ତାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହୋଇନାହିଁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ମନମୋହନ ସାମଲ। ସେହିପରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 8 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପକ୍କା ଘର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ବାତ୍ୟାଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ସମସ୍ତ କଚ୍ଚା ଘରକୁ ପକ୍କା ଘରରେ ପରିଣତ କରନ୍ତୁ। ଫସଲ ନଷ୍ଟ ବାବଦକୁ ତୁରନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଅନ୍ତୁ। ଘରଭଙ୍ଗା ଟଙ୍କା 14 ଦିନ ଭିତରେ ଦିଆଯାଉ। ବାତ୍ୟା ଅଞ୍ଚଳରେ କୃଷକଙ୍କ ପାଇଁ ଋଣ ଛାଡ଼ ଏବଂ ଅଗ୍ରିମ ଋଣ ଦିଆଯାଉ। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଚାଷୀଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବା ସହ ନୀଳଗିରି ଜଙ୍ଗଲରେ ଉପୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବା ଗଛଗୁଡ଼ିକୁ ରାସ୍ତା ଉପରୁ ସଫା କରିବାକୁ ବିଜେପି ଦାବି କରିଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ପଇସା ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଥିଲେ ବି ଆମ ବେଳେ କାଣିଚା ପଇସା ଥିଲା, ଏ ବହୁତ ପଇସା ଥିଲେ ବି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବାତ୍ୟା କରାଗଲାନି। ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ଅଛି ପୁରୁଣା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ରିପେୟାରିଂ ରେଷ୍ଟୋରେସନ୍ ହେଇନି। ବାତ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ୱାର୍ଫୁଟିଂରେ ଦିନେ 2 ଦିନ ଭିତରେ ଏଗୁଡ଼ା କରାହେଇପାରିଥାନ୍ତା। ସେଠି ଟିକିଏ ଚୁଡ଼ା ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦିଆହେଇପାରିଲାନି। ଅଧିକାଂଶ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳରେ ଚୁଡ଼ା 50 ଗ୍ରାମ ଚୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିଲେନି, ବିସ୍କୁଟ୍ଟେ ଦେଇପାରିଲେନି, ଖାଇବା ଦେଉଥିବା ଦୂରର କଥା, ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଦେଇପାରିଲେନି। ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗାଁରେ ଫ୍ରି କିଚେନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ 2004 2008, ଫ୍ରି କିଚେନ୍ ଶବ୍ଦ ରହିଲାନି। ମାଗଣା ଖାଇବାକୁ ଲୋକ ଦେଲେ, ଲୋକ ରୋଷେଇ କରିକି ଦେବେ, ବାତ୍ୟା ବନ୍ୟା ପରେ ତାଙ୍କୁ ବ୍ଲକ୍ରେ ପଇସା ମିଳିଯିବ। ଗୋଟେ ମିଲ୍ର ରେଟ୍ ଫିକ୍ସ ହୋଇଯିବ, ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଏତିକି, ବଡ଼ ଲୋକ ପାଇଁ ଏତିକି, ସେ ମିଳିଯିବ। ଯେତିକି ରିଲିଫ୍ ସାମଗ୍ରୀ ଯାଇଛି ସେ ରିଲିଫ୍ ସାମଗ୍ରୀ କାଟିକି ଦିଆହେଉଛି, ଯେ ତୁମେ ଆମ ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା ଲାଗୁଛି ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ୍, ରିଲିଫ୍ରେ କେଉଁଠି ରିଲିଫ୍ ଯେତିକି ସେତିକି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ରିଲିଫ୍ କମ୍ ଦିଆହେଉଛି କହୁଛି, ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା ଆମ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ୍ ଅଧିକା ଲାଗୁଛି ଆମେ ଦେବୁନୁ। ଇରିଗେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ଡ୍ରେନେଜ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କୌଣସି ନାଳ ଖୋଳିଲେନି, ନାଳ ଖୋଳା 12 ବର୍ଷ ଭିତରେ କେବଳ ବିଲ୍ କରିଛନ୍ତି, କାମ କରିନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ ପାଇଁ ଏ ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟ କୃତ୍ୟ, ପାଣି ୱାଟର୍ ଲକ୍ ଲକ୍ ହୋଇଗଲା, ୱାଟର୍ ଲଗିଂ ହୋଇଗଲା। ସ୍ଥାନାନ୍ତରୀକରଣ ଯେତିକି ଲୋକ ଦେଖାଗଲା, ସେଇ ଲୋକ ଯେଉଁଠି 50 ଜଣ ନାହାନ୍ତି ସେଠି 300 ଦେଖାହେଇଛି, 200 ଦେଖାହେଇଛି, 28 ଦେଖାହେଇଛି। ତାର ମଧ୍ୟ ସରକାର, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଇନକ୍ୱାରି କରିବା ଦରକାର, ଯିଏ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ସ୍ପେଶାଲ ରିଲିଫ୍ କମିଶନ ଇନକ୍ୱାରି କରିବା ଦରକାର ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ କେଉଁଠି ଥିଲେ, ଏବଂ ସବୁ ଜାଗାରେ ଅଧିକା ସ୍ଥାନାନ୍ତରୀକରଣ ଦେଖାହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସେତିକି ସ୍ଥାନାନ୍ତରୀକରଣ କରାହେଇନି, ସେ ସ୍କୁଲ ହଉ, ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ହଉ, ଯେଉଁଠିକୁ। ଚୋରାମଦ ଉପରେ ଚଢ଼ଉ ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅବକାରୀ ଟିମ୍ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ, ମହିଳା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସମେତ 5 କର୍ମଚାରୀ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସଂଘବଦ୍ଧ ଭାବେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ସହ ଗାଡ଼ି ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଛନ୍ତି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଭରତପୁର ଥାନା ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର କରିଛି। ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ 2 ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କୁ ଧରି ଅଟକ ରଖିଛି। ତେବେ ସମୟ ସରିଛି, ବୁଲେଟିନ୍କୁ ଏଠି ସାରୁଛୁ, ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନମସ୍କାର।